भुजा भुजा पत्ती घूमने के बाद लगाइए पूरी। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आप सभी भाइयों को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर आप हो तो सब कुछ है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज जो है हमारे पास गाड़ी आई हुई है इसकी पतंजलि की, और एक घोड़ा आया हुआ है जिसकी ट्राली हमने करनी है, और एक घोड़ा उसकी हमने फ्रंट एक्सल भी करना है, जो कि आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस गाड़ी की ट्यूब जो है दिक्कत कर रही है, वो उल्टी है, इसमें दाब वगैरह आएगी, ये खुलने के बाद ही पता लग पाएगा। और दूसरी तरफ देखते हैं ये तो उसे क्या कह रहा है, बहुत बदतमीज होता जा रहा है ये। टायर खोल जल्दी, फटाफट टायर खोल जल्दी, सुना नहीं करते। तो दोस्तों, तौसिक को कहा हमने टायर खोलेगा, तो टायर अब खोलने के बाद ही इसके अंदर आगे की प्रतिक्रिया जारी होगी। टायर जो है खोलने के लिए पहले जैक लगाना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं जैक लगाया जा रहा है, और जैक लगाने के बाद ये फिर टायर खोले जाएंगे मशीन द्वारा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जैक कितनी स्पीड से और तेज़ी से लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है इसका रिम जो है ऊपर उठ चुका है, और इसमें अब मशीन द्वारा इसे टायरों को खोला जाएगा। तो दोस्तों, इधर पतंजलि की गाड़ी में खड़ा हुआ है, तो उसे इसे कहा था मैंने टायर खोल लेगा उसके ट्राली के, इसे सुनाई नहीं देता, ये पहले और काम करता है, ये करता है अपनी मर्जी से ही है, इसे जितनी मर्जी बार कह लो, सुनो अब क्या कहेंगे। अरे भाई, घंटा में टायर नहीं खुल लेगा उसके ट्राली का, टायर नहीं खुल रहे ना इसके खुल रहे। कौन ठा पगा नटो को, नटो को उठा ले यहाँ से, यहाँ भी घेर दिया। दोस्तों, टायर जो है ऊपर उठा दिए गए हैं ट्राली के, और इसके अब टायर खोलने की बारी आ चुकी है, क्योंकि टायर वाला जो था वो पहले पतंजलि की गाड़ी के टायर खोलने चला गया था जल्दी के चक्कर में, तो उसे फिर इधर आना पड़ा अब इसे खोलने के लिए। तो ये जो है अब टायर खोले जा रहे हैं, इसके खोलने के बाद फिर हम इसके आगे की प्रतिक्रिया जारी करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में आप पूरा देखेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, और जिन भाइयों ने नहीं भी किया और वो मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें। और भाइयों, आप देखेंगे दूसरी तरफ उसके भी हम टायर खोल रहे हैं, और वो टायर खुलने के बाद हम इसको यहाँ पर पहियों को ऐसे करके डाल देंगे, और जिससे कि ये सड़क के बीच में या कहीं किसी को ऐसे असुविधा ना दें, और आराम से यहाँ पड़े रहेंगे। और अब खोलने की बारी आ गई है ड्रम की, अब सुनिए क्या हो रहा है। नीचे है, नीचे है, नीचे है। क्या होगा तेरे पे, ड्रम नहीं निकल रहा, बता। ड्रम निकाली तो ड्रम नहीं निकल रहा, काम सीख रहा पहले। ड्रम निकाल ले मंडलिया, शकल देखी जैसे। दोस्तों, ड्रम वगैरह उतार दिए गए हैं, और रह गया है काम बस बाकी रकाबों का और हबों का। हब भी उतर जाएंगे, तो जैसे कि आप दूर से देख पा रहे होंगे ये वाली ट्राली है, और जो परली ट्राली है उसका फ्रंट एक्सल खुल रहा है, और सामने जो गाड़ी खड़ी है वो पतंजलि की खड़ी है। पतंजलि गाड़ी की ट्यूब करनी है हमने, जो कि आप वीडियो में पूरा देख पाएंगे आज किस तरीके से हम ट्यूब को दबाएँगे और किस तरीके से हम इस काम को अंजाम देंगे। तो ट्यूब आप देख रहे हैं, उसके जो है हब की प्लेटें वगैरह एक्सल निकाल लिए गए हैं, क्योंकि इसमें तो प्लेट होती नहीं, इसमें पूरा एक्सल ही होता है। और ये मिस्त्री जो है ये बातों में लगा हुआ है कि पहले फ़ोन में बात कर लूँ मैं, उसके बाद ही करूँगा मैं, तो उससे बात करने में लगा हुआ है। इसे काम ने खोल ले, फिर खोलने की प्रतिक्रिया जारी करेगा अभी थोड़ी देर में। तो फिलहाल तो सबसे पहले हम ये गाड़ी जो है इसके डंडे के बारे में आपको दिखाएँगे कि ये जो डंडा है वो खोलने की प्रतिक्रिया पे है, और उसके बाद हम इसे अंदर ले जाकर इसमें दाब देंगे, फिर टायर रॉड वगैरह में भी दाब दी जाएगी। फिलहाल जो है अब इधर आप देख पाएंगे दूसरी तरफ, तीसरी तरफ कि इसका फ्रंट एक्सल खोला जा रहा है, फ्रंट एक्सल में दाब देनी है, और इसके जो स्पेंडल वगैरह वो चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि इस गाड़ी में क्या समस्या है। ये गाड़ी जो थी टायर खा रही थी अंदर से ड्राइवर साइड से, तो जो कि हमने इसमें दाब देनी है, खुलने के बाद पता लगेगा। फिलहाल इधर ट्यूब देखेंगे, हब वगैरह इसके उतर चुके हैं, हबों की कंडीशन सही लग रही है,
फिलहाल जो है पल्ली साइड जाके देखते हैं, पल्ली साइड उन्होंने खोला है नहीं खोला, क्या कंडीशन है देखते हैं जाके पल्ली साइड। तारा भाई घंटा का ड्रम नहीं निकला, सिर लगवा लो और इसमें चोट लगवा लो, हंस के दिखा रहा है। इधर देखते हैं तो दोस्तों ये जो डंडा है वो खुलने की तादाद पे है और रकाबी वगैरह रह गई हैं, डंडा खुलने ही अंदर पहुंचेगा और जैसे ही हम अंदर पहुंचने के बाद हम इसमें दाब देंगे। मगर हम देखते हैं कि इधर की तरफ चोटें चल रही हैं बढ़िया दबाकर, क्योंकि इसकी अभी तक वो पिन नहीं निकली है तो इस वजह से तो वो खुल जाएगा कोई नहीं। अब फिलहाल इधर देख लेते हैं ये फ्रंट एक्सल जो है ये भी खुलने की तादाद पे है। चाय पी ले, क्या खड़ा कर रहा तू, चाय भी जल्दी। तो दोस्तों वर्कर बता रहे हैं कि पल्ली तरफ की रकाबें खोल ली हैं, वो जो एक लड़का साइड पे खड़ा हुआ था वो कह रहा मैं चाय पी रहा हूँ। तो दोस्तों जिस मुकाम पे हमने पहुँचना था वो अब पहुँच चुके हैं, क्योंकि फ्रंट एक्सल को अब नीचे गिरेंगे हम। तो ये किस दिशा में और किस तरीके से नीचे गिरता है जैसे कि आप देखेंगे, ओ ये तो नीचे आ गया, ये तो गिरा ही नहीं ये क्या हुआ, गिरना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रंट एक्सल को नीचे गिरने की कोशिश करते हैं वो गिरता नहीं, वैसे अगर छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। और अचानक ऐसा कई बार होता है कि फ्रंट एक्सल जो है टाइम के मुताबिक गिरता नहीं नीचे, तो फिर उसे हमें खुद ही गिरना पड़ता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि ना भी गिरो तो अपने आप खुद गिर जाता है। तो दोस्तों जैसे कि फ्रंट एक्सल को हमने नीचे उतार लिया था, अब जो कि अंदर ले जाएंगे हम, तो इसमें प्रेस द्वारा दाब दी जाएगी। सबसे पहले तो स्पैंडल निकाले जाएंगे और इधर देखेंगे तो इधर की रकाबें जो इसकी खुलने शुरू हो चुकी हैं, डंडे की जो कि मैंने आपको दिखाई थी रकाबें रह गई थी, तो डंडे की रकाबें खुलनी शुरू हो गई हैं दोस्तों। रकाबें खुलते ही डंडा भी नीचे उतर जाएगा और फिर हम इसके अंदर दाब देंगे, जो कि अंदर जाकर प्रेस पे मिलेगी इसे दाब। तो दोस्तों जैसे कि लगे हुए हैं वर्कर, देख रहे हैं आपको किस तरीके से तेज़ी से फटाफट रकाब खोल रहे हैं और अंदर पहुंच गए हैं। देखो स्पैंडल की निकालने की प्रतिक्रिया किस तरीके से स्वाभाविक तरीके से चल रही है, देखो किस तरीके से चोटें लग रही हैं और स्पैंडल को बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों ये जो फ्रंट एक्सल था इसमें जो कमी थी वो अब खुलने के बाद पता लगी जाएगी। वैसे इसमें कमी ज़्यादातर दाब की होती है और स्पैंडलों के बुश की होती है। क्या होता है, बुश जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, फिर स्पैंडल का बुश थोड़ा मुँह ऊपर उठा के चलता है, जिस वजह से ये फिर गाड़ी टायर खाने लग जाती है। तो दोस्तों वर्कर बाहर खोलने पे मुकाम पर हैं, क्या रकाबें, तो दोस्तों रकाबें खोलने पे हैं, रकाबें खुलने ही वाली हैं। फिलहाल जब हम अंदर जाके देखते हैं मुझे लगता है स्पैंडल निकाल दिए गए होंगे, और वही बात हुई स्पैंडल निकाल दिए गए हैं। और जैसे स्पैंडल निकाले हैं और हमने फ्रंट एक्सल को उठाकर अब प्रेस पर रखना है, और प्रेस पर ये उठाया और ये हमने रख दिया। तो अब दोस्तों जैसे कि अब फ्रंट एक्सल में दाब दी जाएगी और आप देख पाएंगे किस तरीके से हम इसमें दाब देंगे और जिससे अब दाब देंगे इस फ्रंट एक्सल की कमी को दूर करेंगे, जिस वजह से गाड़ी जो है सड़क पर टायर खा रही थी और टायर खाने की वजह से वो ड्राइवर जो था बहुत दुखी था और मालिक तो पूछो ही ना कितना दुखी था, क्योंकि टायर बहुत महंगे आते हैं आपको पता ही है। आजकल 42 की जगह 43-44 हज़ार के करीबन जोड़ा हो चुका है फ्रंट एक्सल में, अगर डालना पड़े टायर तो दोनों ही डालने पड़ते हैं अगले। तो दोस्तों आपको मालूम ही हो चुका है कि टायर कितने महंगे हो चुके हैं, बाकी रेट वो जो मैंने आपको बताए हैं ये भी हो सकता है महंगा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, क्योंकि रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब आप देख पाएंगे कि फ्रंट एक्सल में दाब आ रही है, इसमें गाड़ी के कस्टमर जो हैं मालिक हैं वही इस चीज़ को बता पाएंगे कि हम गाड़ी में कितना वज़न डालते हैं, और वज़न के हिसाब से ही हमें इस फ्रंट एक्सल में दाब देनी पड़ती है। और फर्मे द्वारा हम इसे चेक करते हैं, जैसे कि जितनी बार भी इसमें कमी होती है, देखे पहले हमने दबाया था तो कम दबा था, तो अभी इसमें और दाब देनी है हमने, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं सर दोस्तों इसी तरीके से हम फ्रंट एक्सल दबाएंगे, दूसरी तरफ से दबाएंगे, ऐसी ही दाब चलती रहती है इसमें फ्रंट एक्सलों में। और दूसरी तरफ आ जाते हैं अब, जैसे कि देखते हैं कि फर्मे द्वारा अब हम दोबारा से इसे चेक करेंगे, तो दोस्तों आपको पता लग पाएगा कि हमने फर्मे द्वारा किस तरीके से चेक किया है और इसमें कितनी दाब आई है, क्या है क्या नहीं है, वो जो अब चेक करने के बाद ही पता लग पाता है। तो दोस्तों जैसे कि अब देख लिया है हमने, इसमें चेक कर ली है कमी क्या है क्या नहीं है, वो फाइनल हो गया है इसके अंदर। तो दोस्तों ये दाब हमने दे दी है, अब देखते हैं इसे दूसरी तरफ भी दाब दी जाएगी। फिलहाल इधर देखते हैं स्पैंडलों के बुश जो है वो निकालने हमने, क्योंकि बुशों में भी वो चाल थी, जो बुश अब चेंज होंगे और ये हम बुशों को चेंज करने के लिए निकाल रहे हैं।
और दूसरा जो है वो भी इसी तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि कस्टमर अभी वो सामान वगैरह लेने गया हुआ है स्पेयर पार्ट की दुकान से, तो वो सामान लेकर आएगा उसके बाद ही हम इसे चेंज करेंगे। फिलहाल जो है ये बुश ही निकालने हैं, सबसे पहले बुश निकालने के बाद ही दूसरे बुश इसमें डल पाएंगे, क्योंकि बुश जो है इसके जो कट गए थे इस वजह से, और ये हमने बुश इसके निकाल दिए हैं। तो अब दूसरी तरफ देखते हैं उधर क्या चल रहा है। दोस्तों जो बाहर डंडा था वहाँ आ गए हम, तो डंडा जो है रकाबें निकाल ली गई हैं, जैक की सपोर्ट लगाकर जो है डंडे को उतार कर अंदर ले आए हैं हम, और जैसे कि प्रेस पे यहाँ रख दिया है। हम चेक करेंगे मार्किंग द्वारा कि कितना इसमें दाब वगैरह है, क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, तो जो कि है प्रेस द्वारा से दबाया जाएगा। दबाने के बाद ही हम इसे आगे का प्रतिक्रिया जारी करेंगे। तो दोस्तों डंडे में गुल्ला लगा दिया गया है, जिससे कि उसके ऊपर रखकर हम दाब दें उसे, और दाब दे दी गई है, और दाब देखिए फिर दोबारा से दी जा रही है दूसरी तरफ। अब इसके बाद हम इसे चेक करेंगे इसमें कितनी दाब आई है, कितनी नहीं आई है, वो दाब आने के बाद ही पता लग पाता है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, दाब जैसे हर बार हम देते हैं तो हमें चेक करनी पड़ती है साइड में, ऊपर चारों दिशाओं में, कि डंडे में सही प्रॉपर तरीके से दाब आई है नहीं आई है। दोस्तों डंडे में हमने दाब दे दी है, अब डंडे को हम फिटिंग करने के लिए बाहर ले जाएंगे, और फिलहाल बाहर देखते हैं फ्रंट एक्सल जो हमने दबाया था वो फिटिंग की तादार पे है नहीं है, देखा जाए। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल फिट हो चुका है, रकाबें कसी जा रही हैं, और फ्रंट एक्सल की जो समस्या थी वो हल हो गई है। और दूसरी तरफ भी हम देख लेते हैं उधर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इधर भी रकाबें कसी जा रही हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमने यही फ्रंट एक्सल की रकाबें हमने टाइट करनी थी। और इधर जो है टायर रॉड के बुश वगैरह आ गए हैं, जो ट्राली के हमने बुश चेंज करने हैं, और बुश जो है अंदर ले आए हैं। अब हम हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा इनमें ठोके जाएंगे। और दोस्तों स्पेंडल भी रैमर होने थे, जो कि बुश नए आके हमने इसमें ठोक दिए थे, और ठोकने के बाद अब स्पेंडल जो है वो रैमर किए जा रहे हैं, नए बुश हैं ये। और रैमर होने के बाद आप देख पाएंगे कि किस तरीके से पिन बड़े आराम से इसमें आ गई है, ये बिल्कुल फिक्स एक्यूरेसी में आ रही है। देखो पूरी हल्की चोट से सेट आ रहा है मामला। तो दोस्तों इसी तरीके से हम काम को अंजाम देते रहते हैं। तो अब इधर आ जाएंगे, देखो बुशों को भी हम ठोकने की प्रतिक्रिया में हैं, और ये बुश वगैरह किस तरीके से ठोके जा रहे हैं देख लिए आपने, किस तरीके का टायर में हमने बुश ठोक दिए हैं। इसका काम भी फाइनल हो गया है, अब रह गई है डंडे की बारी, अब डंडा टांगा जाएगा। तो सामान को हटा लिया जा रहा है, और डंडे को अंदर खींचने की तैयारी में है। तो जैसे कि डंडे को हमने खींचा और ये अंदर हम पहुँच गए डंडे को लेकर। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने हर इन गाड़ियों में काम किया, और इनमें किस तरीके से हमने दाब वगैरह दी है, और आपको पता लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों इधर ट्यूब जो थी वो हमने खोलनी थी गाड़ी में से पतंजलि की, वो भी अंदर आ चुकी है, वर्कर ले आए थे अंदर, तो उसमें हम दाब दे रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से दाब दी जा रही है। तो दाब दे दी गई है, और अब चेक किया जा रहा है कि दाब कितनी पहुंची है और कितनी नहीं आई है। तो जैसे कि दाब इसमें कितनी आई है वो हम देख रहे हैं कि इसमें दाब आ चुकी है, तो ट्यूब में हमने दबा दी है। अब किस तरीके से फिर और दाब देनी है, और आप देख पा रहे होंगे ट्यूब के अंदर हमने दाब ज़्यादा दे दी थी, जिस वजह से अब ट्यूब को अंदर दाब हमने कम करनी होगी, क्योंकि हमें दाब को उसी हिसाब से दबाना होता है जो हमें लिमिटेड दाब का हिसाब होता है। गाड़ी में क्या वजन है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग ही हमें दाब देनी पड़ती है दोस्तों। तो जिस तरीके से हमने दाब दिए, अब दोबारा से फिर चेक किया जाएगा, किस तरीके से चेक किया जाएगा वो आप देख पाएंगे। तो जैसे कि अब हम इसमें चेक कर रहे हैं मार्किंग द्वारा, तो रॉड द्वारा चेक कर रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से हमने इसे चेक किया, और इसमें पता लग पाएगा कि हमने इसमें क्या करा है। तो हमने इसे चेक कर लिया है कि दाब इसमें कितनी आई है कितनी नहीं। तो दोस्तों अब इसमें हमने दाब दे दी है, दाब देने के बाद और चेक करने के बाद पता लगा है कि साइड में फ़र्क है, तो साइड में अब हम दाब देंगे इसमें। तो दोस्तों साइड में किस तरीके से दाब दी जा रही है आप वो भी चेक कर पाएंगे, कि ये ट्यूब किधर को मुड़ी हुई है किधर नहीं है, वो आपको पहचान में आ ही गया होगा कि हमने किस तरीके से किस माध्यम से इस ट्यूब को दबाने का तरीका अपनाया है। तो भाइयों
आप देख पाएंगे कि हमने स्टोव को दबा दिया है। अब दोबारा से फिर ये चेक की जाएगी। धूप काफ़ी तेज़ है इसलिए थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही होगी, तो इस वजह से। तो दोस्तों अब हमने साइड जो थी अब नापनी है, तो देखा जा रहा है कि साइड आ चुकी है सही बिल्कुल। हमने तो दाब दी थी वो साइड, एक बारी में सही आ गई है, कई बार नहीं भी आती है। दोस्तों इन चीज़ों का बहुत ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों ट्यूब को बाहर ले जा रहे हैं बाबा रामदेव पतंजलि की गाड़ी के पास, और वहाँ पर हम इस ट्यूब को फिट कर देंगे। तो दोस्तों और जो है डंडा वो हमने फिट कर दिया था, फाइनल हो चुका है, लेदर वेदर लगा दिए हैं इसने और नट वगैरह टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में कैसा लगा, इधर फ्रंट एक्सल भी फिट हो गया है, तीनों काम फाइनल हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ट्यूब वहाँ पहुँच चुकी है और ट्यूब को हमने फिट करना है, और ट्यूब का काम फाइनल हो गया था। तो इस गाड़ी का काम फाइनल हो गया है, तो फिटिंग का काम इसका रह गया है और रकाबें रह गई हैं। तो अब इधर की तरफ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका फ्रंट एक्सल वगैरह हमने फिट कर दिया है और इसका काम फाइनल हो गया है, और इस गाड़ी की लाइन भी करनी है हमने। और दूसरा ना डंडा जो है ये फिट होने के बाद ड्रम लगा के नीचे टायर रखेंगे, और ये वाला डंडा हम खोलेंगे और उसे प्रेस पर दबाएंगे भी। और इसके जो टायर थे वो सब पुश वगैरह हमने चेंज कर दिए हैं, वो भी हम फिट करेंगे, आपने देख लिए होंगे वीडियो में। और दूसरी तरफ देखिए चक्का वो चेक कर रहा है किस तरीके से, चक्के में कोई समस्या तो नहीं है, वो आगे पीछे कर रहा है कि उसमें चाल तो नहीं है, तो इस तरीके से वो उसमें चेकिंग हो रही है उसकी, और उस हिसाब से इसे टाइट किया जा रहा है। तो दूसरा डंडा खुलने की तादार पे है और आधे से ज़्यादा हमने खोल दिया है, और इस डंडे को खुलने के बाद हम अंदर लेके जाएंगे। और फिलहाल जो है इधर बाबा रामदेव की पतंजलि गाड़ी जो है इसका काम फाइनल हो गया है, ट्यूब हमने दबा दी थी और ये फिटिंग वगैरह कर दी गई है, और ये गाड़ी अब जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप सभी से यही मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो में किस तरीके से क्या अच्छा लगा। तो ऐसी ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों डंडा अंदर पहुँच चुका है, देखते हैं क्या कंडीशन है, अंदर जाके पता लगेगा। तो दोस्तों अंदर आ गए हैं, लगता है चूड़ी जो है वो लगता है सही कर दी गई है, डाई वगैरह मार के मुझे लग तो यही रहा है डाई कर दी है इसमें, चूड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दोस्तों चूड़ी का काम फाइनल होने के बाद और वेल्डिंग का होने के बाद, दाब वगैरह देने के बाद हम डंडे को ले आए हैं बाहर। समय कम होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, इस वजह से मैं आगे ही ले आया सीन। तो दोस्तों अब आप देख पाएंगे कि किस तरीके से डंडे को हम फिट कर दिया है, और इसमें अब रकाबों वगैरह के बोल्ट नट लगाए जा रहे हैं, सेंटर मिलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में यहीं तक था, जो कुछ था अब आपको दिखाया गया इसमें कि हमने डंडे में किस तरीके से दाब दी और लाइन वगैरह सेट की। तो लाइन अब आपको दिखाई जाएगी, डंडे का जो काम था वो फाइनली क्लोज हो गया है, और अब सिर्फ लाइन का काम रह गया है जो कि अब लाइन होएगी। तो देखते हैं लाइन किस तरीके से होती है। दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, थोड़ी सी और वीडियो रह गई है। अब खोलना पड़ेगा, अब खोलना पड़ेगा, नीचे को आ जाओ, ऊपर भी तो पूरा उठा है। और क्या जल्दी टायर हटा दे, ऊपर फैल दे जल्दी टायर हटा दे, इन टायर का तो गिर है, इंगे ना बच्चे, इंगे ना बच्चे, इंगे बच्चे, लक्की वीडियो बना दो बार डबल ट्रांसफर, चल चलो चलो जम में गाओ, जाओ दो झटके मारो, जा सीधे खड़े हो, चलो चलो इधर बैठा आओ, नहीं लग रहा देख लो साढ़े पचास।
इधर डंडा वैसा इधर वैसा पकड़ियो मार की। दोस्तों वीडियो में कैसा लगा आपको, क्या नहीं लगा जरूर बताएं। तो मेरी ऐसी ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कुछ रोमांचक सा और अलग सा कुछ लेके आऊँगा नया। तब तक के लिए गुड बाय।